हेलो एवरीवन, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन करना हम लोगों ने दोनों ही मेथड से सीख लिया, डायरेक्ट मेथड से भी और इनडायरेक्ट मेथड से भी। उसका फॉर्मेट समझा हम लोगों ने पहले, फिर कुछ एक सवाल बना कर देखा। आज हम लोग इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, इसका पहले फॉर्मेट समझते हैं अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है क्या? तो किसी भी फर्म में जो कैश का फ्लो फिक्स्ड एसेट्स के बेचने और खरीदने से हो रहा है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि नॉन करंट एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर, ये सारा जो टेंजिबल एसेट्स है, या गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारा जो इंटेंजिबल एसेट्स है। तो इन सभी के खरीदने और बेचने से में जो कैश का फ्लो हो रहा है, चाहे वो कैश का इनफ्लो हो रहा है या कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो ये जो कैश का फ्लो है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत आता है। तो समझते हैं इसके फॉर्मेट को कि क्या है, कौन सा कारण होगा जिससे कैश का इनफ्लो होगा और कौन सा कारण होगा जिससे कैश का आउटफ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया पार्टिकुलर, अमाउंट का पालन, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो सबसे पहले जो इनफ्लो है इसे देखते हैं कैसे कैसे होगा। तो इसे ए में रख देते हैं, ए, प्रोसीड फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स, मतलब नॉन करेंट एसेट्स को हटाने पर मतलब कि बेचने पर होने वाला जो आय है, जो कमाई है, वो कैश का इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो क्या सारा नॉन करेंट एसेट्स? तो प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड बिल्डिंग ये सबको बेचने पर, अगर बेच रही है फर्म, उससे जो पैसा का इनफ्लो हो रहा है, कैश का जो इनफ्लो हो रहा है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है। ठीक है, फिर दूसरा हो सकता है प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स, मशीन और इक्विपमेंट वगैरह अपना अगर फर्म ने बेच दिया है, उससे जो पैसा आया वो भी कैश का जो इनफ्लो हुआ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। फिर क्या हो सकता है, प्रोसीड्स From sale of furniture and fixture, furniture वगैरह अगर कंपनी ने बेचा अपना, उससे जो कैश का इनफ्लो हुआ वो भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है। मतलब जो भी सारा नॉन करंट एसेट उसे अगर बेच रही है कंपनी, तो उससे जो कैश का इनफ्लो हो रहा है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है। तो टेंजिबल एसेट्स भी बताया और इंटेंजिबल एसेट्स भी, इंटेंजिबल एसेट्स को भी जो अगर कंपनी बेच रही है, हटा रही है, उससे जो पैसा आ रहा है वो कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो जैसे कि प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना, ये सारे को बेचने से भी जो कैश का इनफ्लो हुआ वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है, वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। या फिर प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को बेच रही है कंपनी अपना, जो पहले से इन्वेस्ट कर रखा है कंपनी ने, तो इससे जो पैसा आएगा
ये भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे लिख देते हैं भाई। ये टोटल है किसका, तो ए। अब दूसरा जो कैश का इनफ्लो हो सकता है उसे बी में लिखते हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड इन्वेस्टमेंट। अब जो ये जो फर्म अगर किसी कंपनी का शेयर डिबेंचर खरीद रखी है या लैंड बिल्डिंग ये सारा खरीद रखा है, उस पर जो रेंट मिल रहा है, उस पर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी जो इनकम होगा वो इसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश का इनफ्लो होगा। तो रेंट रिसीव्ड ऑन लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स और इन्वेस्टमेंट, कोई अदर इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये भी कैश का इनफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। इसके अलावा अगर कंपनी ने किसी दूसरे कंपनी का फर्म ने किसी दूसरे फर्म का शेयर खरीद रखा है, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, तो वो भी डिविडेंड रिसीव ऑन शेयर्स, वो भी कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। ठीक है, तो ये हो गया टोटल बी, है ना, इसे बी लिख दिया। मतलब ए और बी जो दिखाया हमने, ये दोनों कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। अच्छा, कैश का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैसे होता है, कहां से होगा भाई, तो उसे देखते हैं। तो इसे लिखते हैं सी, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। अगर कोई नॉन करंट एसेट मतलब कि फिक्स एसेट को कंपनी खरीद रही है, फर्म खरीद रही है, उसमें जो पैसा जा रहा है, खरीदने में तो पैसा जाएगा ना, पेमेंट करना पड़ेगा, तो अगर वो कैश में खरीदा जा रहा है तो वो कैश का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, जैसे परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद में परचेज ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट। फिर परचेज ऑफ फर्नीचर एंड फिक्स्चर, फर्नीचर एंड फिक्स्चर, उसके बाद में परचेज ऑफ कोई इंटेंजिबल एसेट, जैसे परचेज ऑफ गुडविल, कॉपीराइट, ठीक है, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये भी कैश का आउटफ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। उसके अलावा परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो ये सारा कैश का आउटफ्लो है ना। कैश का इनफ्लो कब हो रहा है, तो जब एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को कैश में बेचा जा रहा है, तो कैश का इनफ्लो हो रहा है। और दूसरा जो कैश का इनफ्लो हो रहा है, अगर उन नॉन करंट एसेट से कोई तरह का इनकम हो रहा है, जैसे कि अगर लैंड एंड बिल्डिंग उसे रेंट पे लगा दिया है, उसे रेंट आ रहा है, तो ये भी कैश का इनफ्लो है। या कोई इन्वेस्टमेंट है उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, जैसे किसी दूसरी कंपनी का डिबेंचर खरीद रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, ये भी कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और इसके अलावा किसी तरह का कुछ, जैसे कि कोई शेयर खरीद रखा है किसी दूसरे कंपनी का, उस पर डिविडेंड मिल रहा है, ये भी इनफ्लो है कैश का इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो ये दो
हो गया कैश का इनफ्लो, ए और बी। ए में क्या, नॉन करंट एसेट्स को बेचकर जो पैसा आ रहा है वो कैश का इनफ्लो है, और बी में जो नॉन करंट एसेट्स है उनसे कोई कमाई हो रही है तो ये भी कैश का इनफ्लो है। और कैश का आउटफ्लो कब होगा, जब नॉन करंट एसेट्स को कैश में खरीदा जाएगा तो वो कैश का इनफ्लो होगा, जिसे सी में दिखाया। अब है कि इफ अगर ए और बी का टोटल, ए और बी का टोटल करते हैं वो सी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, ए और बी इनफ्लो है, सी आउटफ्लो है, तो ए और बी का टोटल अगर सी से ज्यादा होगा तो क्या होगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कब, जब ए प्लस बी इज मोर देन सी तो इनफ्लो होगा। और अगर ए और बी के टोटल से सी का टोटल ज्यादा है ना, ये सी है टोटल, सी ए और बी के टोटल से सी का टोटल ज्यादा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, कैश यूज होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, तो वहां पे क्या लिखेंगे, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है, कब, जब सी का टोटल ए और बी के टोटल से ज्यादा होगा तो। अच्छा तो ये इसे तो घटाएंगे भाई, ये ब्रैकेट में रखते हैं घटाने वाला, है ना, क्योंकि परचेज करेंगे तो कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है, समझ में आया बात। तो ये रहा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन का फॉर्मेट। अब कुछ एक सवाल में होता है कि वहां तो साफ साफ पता चलता है, लिखा रहता है कि ये एसेट खरीदा गया, ये एसेट बेचा गया, है ना, या फिर बैलेंस शीट में दिया हुआ है, पहले साल इतने का था एसेट, सेकंड ईयर में मतलब एंड ऑफ द ईयर इतने का एसेट हो गया, तो उसके डिफरेंस से भी हम अंदाजा लगा लेते हैं कि पहले की तुलना में बाद में कम हो गया, मतलब बेचा गया है, और पहले की तुलना में बाद में ज्यादा हो गया तो खरीदा गया, ठीक है। पर कभी बार इन्वेस्ट में वो जो बैलेंस शीट में बैलेंस जो दिया एसेट का वो तो दिया ही है, उसके अलावा कुछ उसके एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, उस स्थिति में एसेट कितने का खरीदा गया कितने का बेचा गया ये पता करना पड़ता है। तो इसके लिए हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, एसेट का अकाउंट बनाना पड़ता है। तो वो एसेट का अकाउंट कैसे बनता है ये देखते हैं। तो एसेट का अकाउंट बनाने के संबंध में दो तरह के कंडीशंस हो सकते हैं, दो तरह की स्थिति बन सकते हैं, एक तो वो जिसमें एसेट्स को उसके रिटेन डाउन वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाया गया, और दूसरा जिसमें एसेट्स को उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया गया और अलग से एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट खोला गया। तो दोनों स्थिति में कैसे बनाते हैं एसेट अकाउंट वो देखते हैं। तो पहले तो तब देखते हैं जब एसेट्स को उसके रिटेन डाउन वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाया गया, तो उस स्थिति में जो एसेट अकाउंट बनेगा वहां पे एसेट अकाउंट लिख दिया, अगर बिल्डिंग रहेगा मशीन रहेगा मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर रहेगा फर्नीचर अकाउंट, जो भी रहेगा वो लिख देना। तो यहां पे एसेट अकाउंट, इसमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर का जो बैलेंस है ओपनिंग बैलेंस एसेट का उसे इस तरफ डेबिट में, डेबिट क्रेडिट यहां पे लिखेंगे टू बैलेंस बीटी, ओपनिंग बैलेंस में लिखेंगे, और क्लोजिंग बैलेंस को इस तरफ, क्लोजिंग यानी करंट ईयर में जो बैलेंस है एसेट का उसे यहां लिखेंगे बाय बैलेंस शीट। इसके बाद में अगर एसेट बेचा जा रहा है, सॉरी खरीदा जा रहा है, तो इधर टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट यहां दिखाना है, और अगर एसेट को बेचा जा रहा है तो बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट उसे यहां दिखाना है क्रेडिट में। अब उस जो एसेट बेचा जा रहा है उस पर लॉस भी हो सकता है, एसेट को बेचने पे प्रॉफिट भी हो सकता है, अगर एसेट को लॉस पे बेचा गया है तो उसे यहां बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट
और अगर उसको बेचने पर फायदा हुआ तो उसे इस तरह टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यहां दिखाएंगे। तो ये आइटम सारा हो गया डेबिट का, क्रेडिट का। डेबिट में क्या सारा आइटम रहेगा, क्रेडिट में क्या सारा आइटम रहेगा, ठीक है। अब इसमें से जो फिगर नहीं है वही हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा, तो ये बन गया एसेट अकाउंट, ठीक है। अब इसमें समझते हैं कि प्रॉफिट या लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को कहां भाई, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नेट प्रॉफिट के साथ में ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश के फ्लो के कैलकुलेशन के लिए नेट प्रॉफिट में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट को जोड़ते हैं, ठीक है, जबकि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट को घटाते हैं। और ये जो सेल ऑफ एसेट है और जो ये परचेज ऑफ एसेट है ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। अगर सेल किया फिक्स्ड एसेट को तो उससे कैश का इनफ्लो होगा, और परचेज की ओर किया फिक्स्ड एसेट को उससे कैश का आउटफ्लो होगा। एक चीज और छोड़ दिया हम लोगों ने, अगर डेप्रिसिएशन है तो उसे भी यहां दिखाते हैं एसेट्स अकाउंट में, ठीक है। इस डेप्रिसिएशन को, और ये डेप्रिसिएशन को भी क्या है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश के फ्लो का कैलकुलेशन के लिए इस डेप्रिसिएशन को नेट प्रॉफिट के साथ जोड़ा जाता है। तो ये तो तब बना जब एसेट्स को रिटेन्ड ऑन वैल्यू पे बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। अब दूसरे कंडीशन में देख लेते हैं, जबकि एसेट्स अकाउंट बनाया जा रहा है जहां एसेट को ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट में, और अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट भी खोला गया, ठीक है। तो उस स्थिति में दो अकाउंट बनेगा, एक तो एसेट अकाउंट, ठीक है, और दूसरा बनेगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो भाई एसेट का जो ऑपनिंग बैलेंस है टू बैलेंस बीडी, ऑपनिंग बैलेंस यानी प्रीवियस ईयर के बैलेंस शीट में जो बैलेंस है टू बैलेंस बीडी यहां पे दिखाएंगे उसे अपनी बैलेंस को, और क्लोजिंग बैलेंस को यहां पे बिल्कुल उसी तरह जो अभी बताया था बाय बैलेंस सीडी यहां पे दिखा दिया, और सेल या बाय बैंक अकाउंट सेल ऑफ एसेट है ना, और अगर परचेज हुआ एसेट तो वो इस तरह बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अभी एसेट अकाउंट में हमने किया टू बैंक अकाउंट परचेज ऑफ एसेट, ठीक है। और अगर एसेट को बेचने पे हाँ ये सेल अगर एसेट हुआ तो इस तरफ, परचेज हुआ तो इस तरफ, और हाँ जो सेल हुआ है सेल को अगर एसेट को बेचा गया लॉस पे तो उसे यहां बाय पीएल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और अगर एसेट को बेचने पे फायदा हुआ है तो उसे यहां पे टू पीएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट यहां पे दिखा है। मतलब यहां तक में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल जैसा अभी एसेट अकाउंट में देखा बिल्कुल वही सारा करना है। तो ये हो गया। अब आता है बात डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन के मामले में क्या करना है। तो भाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट खुला हुआ है तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है उसे दिखाएंगे क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी, और जो क्लोजिंग बैलेंस है इधर दिखाएंगे डेबिट में टू बैलेंस सीडी। ये हो गया। और जो डेप्रिसिएशन हो रहा है उसे क्या था अभी जो बनाया था इसके पहले वाला पहला कंडीशन में उसमें डेप्रिसिएशन यहीं पे दिखा दिया था इसी एसेट अकाउंट में, क्योंकि वहां पे अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट नहीं था, पर यहां डेप्रिसिएशन जो होगा उसे यहां दिखाएंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। और वो एसेट जो बिक रहा है बेचा जा रहा है जैसे
उसके हिस्से के डेप्रिसिएशन को यहां से एसेट अकाउंट में, मतलब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से एसेट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या यहां पे लिखेंगे, टू एसेट अकाउंट, यहां से वो उसके हिस्से का डेप्रिसिएशन कहां गया भाई, एसेट अकाउंट में गया, और उसे यहां पे लिखेंगे बाय, कहां से आया ये डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो यहां पे लिखेंगे बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो ये हमारा एसेट अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बन गया, तब जबकि वहां पे एसेट्स को और उसके ओरिजिनल कॉस्ट पे बैलेंस शीट में दिखाया गया, और यहां पे क्या होगा, तो सेल ऑफ एसेट्स को इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, कैश का इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये, और परचेज ऑफ एसेट को भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाएंगे, ये कैश का आउटफ्लो है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो, कैश के फ्लो के कैलकुलेशन के लिए क्या किया जाएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स को नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा, और अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है तो उसे नेट प्रॉफिट से घटाया जाएगा, और डेप्रिसिएशन जो है यहां जो नेट प्रॉफिट में जो जाकर जोड़ा जाएगा वो डेप्रिसिएशन ये वाला है, अभी जो वो रिटर्न डाउन वैल्यू पे जो हमने बना के दिखाया एसेट अकाउंट, उसमें जो डेप्रिसिएशन जोड़ा जाता था वो वाला जो उसी एसेट अकाउंट में दिखाया जाता था, पर यहां पे वो नहीं, यहां पे ये वाला डेप्रिसिएशन जाकर उस नेट प्रॉफिट में जोड़ा जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए। तो ये हम लोगों ने एसेट अकाउंट देखा दो स्थिति में, जब एसेट को बैलेंस शीट में रिटर्न डाउन वैल्यू पे दिखाया जाता है तो, और जब एसेट को बैलेंस शीट में ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखाया जाता है तो। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करा, चैनल को सब्सक्राइब करा, थैंक यू।